राम मंदिर पर सुनवाई में बचे हैं सिर्फ 72 घंटे, आज हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलील। मुस्लिम पक्ष ने दी कल आखिरी दलील, कहा मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई मस्जिद। अयोध्या में जोरों पर है दीपोत्सव की तैयारी, इस बार टूटेगा पिछले साल का रिकॉर्ड, 4 लाख दीपों का टारगेट। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की विवाद स्थल पर दीपोत्सव मनाने की मांग खारिज, राम जन्मभूमि के रिसीवर कमिश्नर ने इनकार किया। अयोध्या पर फैसले को लेकर आज तक से बोले योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मंजूर होगा, इस बार अयोध्या में मनाएंगे भव्य दिवाली। कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल सेवा बहाल होने पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक का विवादित बयान, बोले अब कश्मीर में युवा लड़के लड़कियां कर सकते हैं बात। खुल गया है, कारोबारी लोग भी आसानी से अपना काम कर सकते हैं, टूरिस्ट ने आना शुरू कर दिया है, और हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको बहुत दिक्कत थी, वो भी बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या की, बगीचे के मालिक को पीटा। राजस्थान से सेब लेने पहुंचा था ट्रक ड्राइवर, वारदात में शामिल 2 आतंकवादियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी। फरवरी में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश होने के मामले में 2 अधिकारियों का कोर्ट मार्शल, हादसे में 2 पायलट समेत 6 लोगों की गई थी जान। पाकिस्तान ने कठुआ सेक्टर में फिर से तोड़ा सीज फायर, रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। हरियाणा में आज पीएम मोदी की 2 रैलियां, कुरुक्षेत्र और चरखी दादरी में भरेंगे हुंकार। महाराष्ट्र चुनाव में मायावती ने चला अंबेडकर कार्ड, बाबा साहेब की तरह बौद्ध धर्म की लेंगी दीक्षा। नागपुर की रैली में मायावती ने किया ऐलान, बोली सही समय पर करेंगी फैसला। ठाणे की रैली में ओवैसी ने दी संघ और शिवसेना को चुनौती, बोले भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। राफेल की पूजा पर आज तक से बोले राजनाथ सिंह, जिन्हें हिंदुस्तान की आत्मा की एहसास ही नहीं है, वो टिप्पणी कर रहे हैं। एक झटके में बेरोजगार हुए 25,000 होमगार्ड, योगी सरकार ने खत्म की ड्यूटी, बजट का दिया हवाला। सीजी हाउस मामले में प्रफुल्ल पटेल को ईडी का समन, सीजी हाउस की परिसंपत्तियों के संबंध में हुई पूछताछ। उन्नाव रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, जांच में साजिश का नहीं किया जिक्र, ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रिड रिस्पॉन्स एक्शन लागू, डीजल जनरेटर्स पर रोक। दिल्ली में हवा की क्वालिटी खराब होने पर आज से होगा एक्शन, जनरेटर से लेकर ईंट भट्टे और स्टोन क्रशर तक होंगे बंद। झारखंड के कोडरमा में शिलान्यास के कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास के नाम शामिल होने पर भड़के लोग, जमकर हंगामा। रामपुर में रैली के दौरान भावुक हुए आजम खान, बीजेपी पर साधा निशाना। पीलीभीत में जाम के दौरान बीजेपी नेता को पिस्टल तानना महंगा पड़ा, भीड़ के साथ झड़प। मिदनापुर में टीएमसी नेता की हत्या पर हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने किया जाम। हुगली में इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। झांसी में एक बक्से में 8 साल के बच्चे का शव मिला, हड़कंप मचा, परिवार वालों ने चाचा पर लगाया आरोप। दिल्ली में डीडीए पार्क में व्यापारी की लाश मिलने से सनसनी, 2 दिन से घर से गायब था व्यापारी। दिल्ली में उधार के पैसे ना चुका पाने पर शख्स ने दोस्त की हत्या कर डाली, पुलिस ने दबोचा। दिल्ली में दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर ट्रक लूटा गया, हैदराबाद जा रहा था ट्रक। वाराणसी में शख्स को बातों में फंसाकर 2 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी फुटेज सामने आई।